नमस्कार और आप देखें पल पल। हरियाणा के शिक्षा मंत्री 12वीं फेल है, ये हम नहीं बल्कि हरियाणा के एक सरकारी अध्यापक कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री को 12वीं फेल बताने वाले फतेहाबाद के सरकारी स्कूल के अध्यापक का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो ने हरियाणा के शिक्षा विभाग की नींद उड़ा रखी है। जैसे ही यह वीडियो शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया तो विभाग की ओर से तुरंत इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अध्यापक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। फतेहाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 दिन के अंदर अध्यापक के खिलाफ पूरी जाँच की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल हरियाणा में सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए अलग से मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की योजना शुरू की गई है। सरकार की इस योजना के तहत फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस स्कूल में पहले से पढ़ाई कर रहे बच्चों के अभिभावकों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि उनके बच्चों को अगली कक्षा में दाखिले के लिए अंग्रेजी में टेस्ट करना पड़ेगा, यानी टेस्ट पास करना जरूरी होगा। टेस्ट पास नहीं करने वाले बच्चों को किसी भी सरकारी स्कूल में या किसी अन्य स्कूल में जाना होगा। वहीं दाखिले से जुड़ी इस समस्या के समाधान को भी मांग को लेकर के बड़ी संख्या में अभिभावक व कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर के सरकारी स्कूल पहुँचे और अपनी समस्या के समाधान की मांग करने लगे। वहीं समाधान की मांग कर रहे अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उक्त सरकारी स्कूल के अध्यापक की बहस हो गई और देखते ही देखते वे आग बबूला हुए और सरकारी स्कूल के अध्यापक ने स्कूलों के दाखिले की समस्या को लेकर के सरकार के नियमों को जिम्मेदार ठहराते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री को 12वीं फेल बता दिया, जिसके बाद अध्यापक और अभिभावकों के बीच इस पूरी बहस का वीडियो वायरल हो गया। उसमें जो एक वीडियो सोशल मीडिया से कल भी सामने आया था हमारे और आज भी थोड़ी बहुत इसके बारे में क्लिप्स दिखाई गई है, तो जो ही मैंने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया वहाँ इस बारे में पूछने के लिए, तो प्रिंसिपल साहब आज पंचकुला हमारे एक प्रवेश उत्सव है माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में वहाँ गए हुए हैं, तो उनके आने के बाद कल ही पूरा पता लग पाएगा। और लेकिन मैंने बीओ जो फतेहाबाद है उनको एक एप्लीकेशन हमारे ऑफिस की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए भेज दी है कि पूरे मामले की छानबीन करके 2 दिन में हमारे पास रिपोर्ट भेजे, ताकि इसमें अगर कोई कहीं चूक कहीं गलती किस पार्ट से हुई है। जैसा कि वीडियो से आभास होता है कि टीचर को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने किया है और किस संदर्भ में किया है वो मुझे इतना पता नहीं है। जहाँ तक उन बच्चों का है, हिंदी मीडियम के बच्चों का, उनका माननीय डी साहब के निर्देश पर हमें लेटर भी मिल गया कि इन बच्चों के बारे में आप बातें करो, तो उस बारे में हम हेडक्वार्टर से बात करके उन बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। सभी बच्चों का, किसी भी बच्चे को हम घर नहीं रहने देंगे, चाहे वो मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ना चाहे तो मॉडल संस्कृति में पढ़ाएंगे, और अगर दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। और जहाँ तक उस अध्यापक की बात है उसकी भी पूरी छानबीन करके और जो भी जिस प्रकार का फॉल्ट है उसी प्रकार की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को लिखेंगे इस बारे में। अगर जांच के अंदर उसको अगर कुछ पाया जाता तो विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? विभाग में हम आवश्यक कार्रवाई है तो हमारी अनुशंसा के साथ भेजेंगे कि अगर उनकी अगर गलती है कि किस स्तर की गलती है उसी स्तर का जो फॉल्ट होगा उसी स्तर का दंड विभाग देगा। प्रदीप जी, शिक्षक वाला क्या मामला था? मामला दरअसल यह है कि सरकार ने जो एक मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए हैं उसी तरह का जो हमारा एक बॉयज स्कूल हुआ करता था सरकारी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धर्मशाला रोड पर है, इसमें काफ़ी दिनों से बच्चों को जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दाखिले की दिक्कत आ रही थी। पेरेंट्स को यह कहा जा रहा था कि आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों को यहाँ दाखिला दिला सकते हैं, नहीं तो आप जो है इनको किसी भी अन्य स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए, यहाँ से ये हटाए जाएंगे। तो बच्चों के पेरेंट्स के साथ जब हम कल स्कूल में गए तो वहाँ एक जो शिक्षक दाखिला प्रक्रिया में शामिल थे, नवीन शर्मा जिनका नाम है, उनसे हमने जब पूछा कि ऐसा क्यों है तो वो बोले कि मैं पहले टेस्ट लूँगा। टेस्ट लेते जब कुछ बच्चे कमज़ोर पाए गए तो हमने कहा जी ये व्यवस्था तो देखो जी, टीचर तो आप ही हो जो इनको पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो हम वो कहने लगे बोर्ड टूट गए हैं इस वजह से ये व्यवस्था है, सरकार फेल है। कहते कहते हमने शिक्षा मंत्री तक बात आ गई, तो हमने कहा शिक्षा मंत्री हमने सुनाउन बनाया, बोले शिक्षा मंत्री तो खुद प्लस टू फेल है। तो इस तरह की उन्होंने भाषा का जो अभिभावकों के साथ प्रयोग किया। अब शिक्षा मंत्री क्वालिफिकेशन हमारे कहने से तो बनी नहीं थी,
उन्होंने सही कहा गलत कहा, हम इस बात में नहीं जाना चाहते। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो बच्चे 500-700 उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में क्यों बनाया जा रहा है। उनको उसी स्कूल में या फिर हिंदी मीडियम का कोई भी भवन जो नज़दीकी है उसमें दाखिला जरूर मिलना चाहिए। इसमें हम कुछ नहीं कहें, हमने शिकायत दी है जो अभद्रता हमारे अभिभावकों के साथ की गई और वहाँ पे एक हंगामा किया गया टीचर्स के द्वारा, एक पॉलिटिकल उनको जानबाजी की गई। एक शिक्षक होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।